हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 92, जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 20th October 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है, यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है चम्मचे ही चम्मचे। बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को कुछ इस तरह से रख कर देखा, फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी इन चम्मचों को गिने और संख्या को उनके नीचे दिए गए खाली डिब्बे में लिखें। तो बच्चों आओ हम भी इन चम्मचों को गिनते हैं। पहले बॉक्स के अंदर देखिए कितनी चम्मचे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी चम्मचे हैं? 10, यानी कि 10। दूसरे बॉक्स में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे इसमें भी 10 है। तीसरे बॉक्स में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे इसमें भी 10 हैं। तो यहाँ तो जो तीनों बॉक्स हैं उन तीनों बॉक्स के अंदर 10-10 चम्मचे हैं, लेकिन हर बॉक्स में उन चम्मचों को जो रखने का तरीका है वो अलग अलग है। आप देख सकते हैं कि हर बॉक्स में जो 10 चम्मचे हैं उनका समूह अलग तरह से बनाया गया है। दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग है? तो इन चित्रों में तो चम्मचों की संख्या क्या है? बराबर है। हर चित्र में 10-10 चम्मचे हैं। जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीज़ों को अलग अलग तरह के समूह बनाकर रखा है? बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि पिंकी और सोनू ने अपनी चम्मचों को अलग अलग तरह के समूह बनाकर रखा, तो आपको बताना है क्या कभी आपने कुछ चीज़ों को ऐसे समूह बनाकर रखा है। अगर रखा है तो किन चीज़ों को रखा है उसका नाम भी बताना है। आप किन्हीं 12 एक जैसी चीज़ों, जैसे 12 चूड़ियाँ, 12 मोती, 12 कंचे या 12 रंग को अलग अलग तरह के समूह में रखकर दिखाइए, चित्र बनाकर या फोटो खींचकर। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मेरे पास 12 कंचे थे और मैंने इन 12 कंचों को अलग अलग तरह के समूह में रखा है। पहला समूह है ये वाला। इस समूह में मैंने हर कंचे को अलग अलग रखा है। तो ये है मेरा पहला कंचा, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा और बारहवा कंचा। ठीक है, तो ये मेरा पहला समूह हुआ। ये मेरे कंचों का दूसरा समूह है। तो मैंने अब की बार 12 कंचों को इस तरह से बांटा हुआ है। पहले बॉक्स के अंदर मैंने रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंचों को, और दूसरे बॉक्स के अंदर मैंने रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरे बॉक्स के अंदर भी मैंने 6 कंचों को रखा है। तो इस तरह से 6 कंचे मेरे इस वाले बॉक्स में हैं और 6 कंचे दूसरे वाले बॉक्स में हैं। तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने कंचे हुए? 12 कंचे। आइए अब हम इन्हें एक बार एक साथ गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो ये है मेरा तीसरा समूह। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स के अंदर तीन तीन कंचों को रखकर समूह बनाया है। आइए देखते हैं। पहला बॉक्स, एक, दो, तीन। दूसरा बॉक्स, एक, दो, तीन। तीसरा बॉक्स, एक, दो, तीन। चौथा बॉक्स, एक, दो, तीन। तो आइए अब हम इन्हें एक साथ गिनते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। तो कितने कंचे हुए? बारह कंचे। तो देखा आपने मैंने किस तरह से तीन प्रकार के अलग अलग समूह बनाए। आपको भी किन्हीं बारह चीज़ों से इसी तरह के अलग अलग समूह बनाने हैं। अगला देखिए, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो हमें दो के जोड़ों में मिलती हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो कि आपको हमेशा दो के जोड़ों में मिलती हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या कभी आप एक जुराब खरीदते हैं? नहीं, जुराब तो हमेशा दो के जोड़ों में ही मिलती है। ऐसे ही जूते, तो जूते भी हमेशा दो के जोड़ों में मिलते हैं। कभी भी हम दुकान से एक जूता नहीं खरीदते। इसी तरह से आपको बाकी चीज़ों के नाम भी बताने हैं, ठीक है? इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।